Joining me now is my colleague, video journalist Kishan Kumar. Kishan Kumar, in fact, was with our colleague Akshay Singh, who is no more. Akshay and Kishan were, in fact, in Madhya Pradesh investigating the Vyapam scam. Kishan, kis din aap log Delhi se nikle? Aur pura waqiya bataiye, saath mein aap log kab mile aur kaise aap log Delhi se yahan se nikle? हम 30 तारीख को 6 बजे निकले थे यहाँ से. उसको मैंने पिकअप किया मयूर विहार में उसके घर से, और यमुना एक्सप्रेसवे से हम ग्वालियर की तरफ निकल गए. उसको किसी खबरी से मिलना था ग्वालियर में, तो हम सीधे उसके घर पहुँचे. तो उसके घर पहुँचकर उस एक दो घंटे बाद की उसने खबरी ने उनको खबर बताई कि ये जो कैसे कैसे व्यापम केस में ये घोटाला होता है, स्कैम होते हैं, क्या क्या होता है. और वो हमें कई सारे लोगों से मिलाना भी चाहता था. अच्छा. कि कुछ लोग हैं जहाँ जिन जो लोग मरे हैं उन व्यापम केस में, उनसे मिलो, उनके घर हमें ले जाना चाहता था. हम वहाँ गए भी थे. तो 30 तारीख को आप लोग ग्वालियर पहुँचे, उसके बाद फिर आगे का क्या रहा? फिर हमने वहीं होटल लिया और रात को रुके. फिर अगले दिन वो जो खबरी था हमें उनके नेटिव प्लेस में, होम टाउन में लेके गया, वहाँ पर लोगों से मिलाने के लिए. हाँ, उनसे मिलवाने के लिए. तो अक्षय मतलब अपने क्राइम टीम में था पूरा. उस डिटेल में उनकी रिसर्च की, उनके ऊपर पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स वगैरह सब कलेक्ट की, डॉक्टर से बात की उन्होंने की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या ये जो चोटें लगी हैं. कैस पूरे टाइम जब आप लोग साथ में थे तो जिस तरीके मतलब काम आप लोग कर रहे थे, चार दिन तक आप लोग वहाँ पे थे, साथ में ही आप लोग पूरे टाइम साथ में थे, खाना पीना साथ में था, किस तरह मतलब पूरा आप दोनों जिस तरह से साथ में थे और कैसे कैसे और आगे बढ़े वो बताइए. हम जब दिल्ली से लेकर उसके पास जब वो नहीं रहा इस दुनिया में, तब तक मैं उसके साथ ही रहा. चाहे होटल के अंदर हो, चाहे होटल के बाहर हो, चाहे वो किसी से मिल रहा हो तो मैं उसके सामने ही खड़ा रहता था. कुछ खाता था तो खाते भी साथ ही थे, एक ही थाली में खाते थे. कुछ पानी बोतल में पी रहा है तो एक ही बोतल से पानी पीते थे. कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो मेरी आंखों के आगे से ओझल हुआ हो. वो मैं मतलब साथ में ही हम रहे. पाँच दिन थे. ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. कल लास्ट डे मैं दिल्ली आ चुका हूँ सुबह. इनफैक्ट जब तक वो एक्सपायर मतलब जब तक वो बेहोश भी हो गया था, मैं चार हॉस्पिटल में लेके गया था, तब मैं उसको अपनी गोदी में ही लेके गया था. गाड़ी में बिठा गया. आप लोग इंटरव्यू करने गए थे किसी का झाबुआ में, तो झाबुआ आप लोग किस दिन पहुंचे, कब झाबुआ पहुंचे और वहां पे क्या जिस समय ये हुआ तो उस समय आप लोग क्या कर रहे थे? हम इंदौर से झाबुआ गए थे. झाबुआ में उसने बताया कि कोई लड़की है जो जिसको ट्रेन से धक्का दे दिया है, वो व्यापम केस से कुछ रिलेटेड है, और उनके पिताजी से मिलना है. वो 3 साल पहले एक्सपायर हो गई थी, कुछ रेप भी हुआ था उस लड़की का. और हम उनके महीमनगर है शायद उनका गांव, उनके महीमनगर गांव में घर पहुंच गए. तो किस समय पहुंचे आप लोग वहां पर उनके घर पे? 12:30 के बाद ही था दिन में. हाँ, दोपहर में हम होटल से निकल गए, कुछ बिना कुछ खाए पिए. हमारे पास टाइम नहीं था खाने पीने का भी. तो उनके घर पहुंचे बीच रास्ते में, लेकिन हमने एक फ्रूट्स ले लिए थे, कुछ बनानाज ले लिए थे, वो खा रहे थे. चिप्स ले लिए थे पैकेट थोड़ा वो करने के लिए. और फिर उनके घर जाके हमने चाय पी, पानी पिया, और एक घंटे तक वो अक्षय उसके पिताजी से बात भी करता रहा, उसके डॉक्यूमेंट्स देखता रहा, उनकी रिपोर्ट्स कैसे क्या, अगर वो लड़की एक्सपायर हुई है तो क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या है, और पूरी डिटेल में तब उसके पास. पूरे टाइम साथ में ही थे अक्षय के? मैं अक्षय के सामने ही बैठा हुआ था सोफे पे, कैमरा मेरे हाथ में था. अक्षय ने कहा था कि इनके पेरेंट्स के थोड़े कटअवेज विजुअल्स बना लीजिए, थोड़ा स्टोरी में काम आ जाएंगे वो. और मैंने उनके विजुअल भी बनाए थे वो. किशन, जब उससे एक रात पहले जब आप लोग अगले दिन जब आप 12:30 बजे वहां पहुंचे, रात को साथ में डिनर किया आप लोगों ने? साथ में ही थे आप लोग एक रात पहले? हाँ, डिनर किया था हमने साथ में. डिनर किया था, दाल मखनी और रोटी खाई थी वहीं होटल में. आप दोनों ने साथ में डिनर किया था? तो वो नॉनवेज नहीं खाता था, मैंने नॉनवेज भी खाई थी थोड़ी. उसके बाद जब ये आप वहां पहुंचे, इंटरव्यू शुरू हुआ,
फिर तब क्या हुआ, आप लोगों ने साथ में वहाँ पे चाय पी और चाय बात कर रहे थे, आप वहीं पे बैठे हुए थे, फिर क्या हुआ आगे? वो उसका जो लड़की जो एक्सपायर हुई है उसका ब्रदर था वहाँ पे, वो चाय लेकर आया, उसने सब वहाँ पे रख दी चाय, सब हमने चाय पी। और भी लोग थे वहाँ पे? उसके पिताजी थे ड्राइंग रूम में, हमारा स्ट्रिंगर था राहुल, मैं था और उसका भाई था, वो गेट पे खड़ा हुआ था। सभी लोगों ने चाय पी, वो देख रहा था। हाँ, हम सब ने चाय पी और मैं तो अपना विजुअल्स के सेंस से मतलब मेरे दिमाग में रहता कि विजुअल्स कैसे बनाऊँ, कौन से अच्छे भी हैं। वो अपना पूरी थ्योरी पढ़ते जा रहा था, सारे क्वेश्चन करना, ये करना ये, और फिर एक घंटे तक तो वो बात करता रहा। फिर एक घंटे बाद ऐसा हुआ कि उसने कहा कि कृष्ण अब जो है मेरी तो इनकी पूरी जांच पड़ताल हो गई, अब ऐसा इंटरव्यू करना है इनका, आप फ्रेम बनवा लीजिए, कहाँ करना है इनका इंटरव्यू। तो मैंने फ्रेम बना दिया, एक उनकी लड़की की फोटो थी उस बैकग्राउंड में ऐसे करके। फिर 2 मिनट बाद ही वो अपने पेट से उस मुंह से बड़ी तेज तेज मतलब सांसों की हवा हवा से बाहर की तरफ करने लगा, उसका जो होठ है वो हड़बड़ाने लगे, ऐसे करके हड़बड़ाने लगे, वो अंदर का जो स्लाइव होता है, थूक होता है, वो हवा की वजह से बाहर आ रहा था छींटे के तौर पे। पहले तो हमें लगा कुछ बलगम वलगम का कुछ कुछ कर रहा है, बलगम है शायद इसको, पर फिर ज़्यादा देर तक करने लगा। फिर उसका हाथ जो है, हाथ ये वाला हाथ ऐसे मुड़ गया अपने आप ही, ऐसे ऐसे करने लगा और उसका चेहरा थोड़ा चेंज हो गया। तो अब हमने सोच रहा कुछ गड़बड़ है, ये कुछ नॉर्मल नहीं है। मैंने उसको पकड़ा, मैंने कहा पानी लेकर आओ जल्दी, पानी लेकर आओ, ये राहुल भी था मेरे साथ, पानी लेकर आए उसका भैया अंदर से। हमने पानी पिलाने की कोशिश करी लेकिन पानी वो नहीं पिया पाया। वो इतनी देर में उसे सोफे के नीचे गिर गया, सोफे के नीचे गिरते ही हम अनकॉन्शियस हो गया वो। फिर आप लोग हॉस्पिटल लेके गए? बस उसी टाइम हमने सोचा अब तो यहाँ, अब तो निकल लो हॉस्पिटल के लिए। हमने गेट पे ही था गाड़ी खड़ी थी अपनी, और हमने पीछे की सीट पे, मैं 2 सीटें होती हैं, मैंने अपने गोदी में उसको अक्षय को रखा और आगे आगे वाली सीट पे राहुल बैठा था और ड्राइवर था अपना। तो हम हॉस्पिटल की तरफ चल पड़े और जो लड़की का ब्रदर था वो भी हमारे साथ चल दिया हॉस्पिटल के। कितना दूर था उसी गाड़ी में? जल्दी कितनी देर में पहुंच गए? वो शायद 300-400 मीटर होगा। 300-400 मीटर के बाद हम 5-6 मिनट में ही पहुंच गए हॉस्पिटल। वहाँ फटाक से हमने शोर मचाना शुरू किया, जल्दी आओ डॉक्टर, यहाँ स्ट्रेचर वगैरह लेकर आओ। डॉक्टर भागा हुआ आया, उसने देखा गाड़ी में बेहोश बंद मतलब जो भी है, उसने वो अपनी उस पल्स चेक करी है उसके जो उंगलियों में कुछ वो लगा के स्टेबलर टाइप लगा के, उसने कहा इसमें तो पल्स बंद है इसकी, तो ये तो इज नो मोर, हिंदी में बोला नहीं है, खत्म है। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब ये आपको गाड़ी में वैसे ही पड़ गया, कैसे पता पड़ गया? आप इनको ले जाइए ना हॉस्पिटल में, शॉक वगैरह दीजिए, कुछ तो करिए, गाड़ी में मैं आप पूरा इलाज बता रहा हूँ। उसके बाद जो है फिर कहता है आप यहाँ सरकारी अस्पताल है, यहाँ अगर आप रूम में भी लिटा दोगे ना हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, हमारे पास कुछ है ही नहीं इलाज करने के लिए। वो बहुत यंग सा लड़का था डॉक्टर, उन्होंने बोला कि कोई पल्स वगैरह नहीं है, तो हमने कहा हाँ पल्स, उन्होंने कहा पल्स नहीं है, ही इज नो मोर, ही इज डेड। फिर आप दूसरे हॉस्पिटल में लेके गए? डेड, हमें विश्वास नहीं हुआ उसकी बात पे। हमने कहा ये ऐसे कैसे हो सकता है अपना, ये तो अक्षय कैसे हो सकता है ऐसे, हमने लगा कि शायद सरकारी अस्पताल में यंग सा बंदा है। तो हमने कहा कहाँ बताइए क्या करें अब हम, कोई है और अच्छा डॉक्टर यहाँ पे? उसने कहा हाँ यहाँ पे जीवन ज्योति करके प्राइवेट अस्पताल है, कोई प्राइवेट अस्पताल पास में ही था। तो वो जो लड़की का ब्रदर था उसने बताया और हम वहीं प्राइवेट अस्पताल में चले गए। वहाँ पर डॉक्टर खाना वगैरह खाने के लिए चला गया हुआ था और नर्स ने रूम में लेकर गई और वहाँ पे जो है चेकअप किया। उन्होंने कहा कि यहाँ पे उनका कुछ नहीं हो सकता, शॉक मशीन भी नहीं है हमारे पास, आप इनको गुजरात वाले बॉर्डर पे ले जाइए। हम महावीर अस्पताल में ले गए, वहाँ डॉक्टर गेट पर ही खड़ा था, उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा कि ही इज नो मोर, उन्होंने भी बता दिया।